नमस्कार आदाब, ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पूरे वर्ल्ड में टैलेंट की कमी नहीं, उसी तरीके से मुंब्रा शहर में भी टैलेंट की कमी नहीं। मुंब्रा को रिप्रेजेंट कर रहे यासीन शेख, जिन्होंने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं, और आज हम बात करेंगे यासीन शेख की जर्नी के बारे में। आइए चलते हैं। सिन भाई, वेलकम टू अवर चैनल। और आप मुंब्रा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, प्राउड की बात है। और काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे आपके वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं और काफ़ी मशहूर हो चुके हो आप, तो क्या कहना आपका? पहले तो थैंक यू सो मच ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ चैनल को कि आपने मुझे इनवाइट किए। थैंक यू आरिफ हाशमी भाई कि आरिफ हाशमी भाई ने मुझे इन्वाइट किया। और बस मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस अल्लाह की करम है, खुदा की देन है मुझ में, जो मैंने ये कला पाया हूँ और पाई है। संगीत एक खुदा की देन होता है, आवाज़ एक खुदा की देन होता है, और बाकी मेरी मेहनत है और मेरी वालिदैन के दुआ है। ये जो आपने कहा कि मुंब्रा में भी टैलेंट की कमी नहीं है, बेशक मुंब्रा में भी टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरी नज़र में कई बच्चे हैं जो उनके पास बहुत ही टैलेंट है, बट वो उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा। उसे गाइड करने के लिए कोई है नहीं, सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि मीडिया की माध्यम से या किसी बड़े शख्स के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जाए। यासीन भाई, हमने सुना है कि इंटरनेशनल सिंगर सुदेश भोसले, जिनके साथ आपने परफॉर्मेंस किया है जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और उस प्रोग्राम में मेरे गुरुजी और जो ऑर्गेनाइज़र थे सचिन तेलंगे सर, राष्ट्रवादी कांग्रेस से हैं वो, पॉलिटिकल और सांस्कृतिक का अवार्ड साहब का जो भी कार्यक्रम होता है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन्होंने मुझे मौका दिया सुधीर जी के साथ। काफ़ी तो मैं बहुत नर्वस था इतने बड़े सिंगर्स के साथ गाना, और मैं अभी कुछ नहीं सीखा हूँ, कुछ अभी तक मैं सीखा नहीं। मैं समझता हूँ हर एक कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है, तो आपके कामयाबी के पीछे कौन है, हम जानना चाहते हैं। जी सर, मेरे कामयाबी के पीछे मैं अगर ये एक हिंदुस्तान के तमाम लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूँ, पिछले एक साल से मेरी मॉम डैड मेरे पास नहीं है जी। वो गांव में शिफ्ट हुए, मेरे भाई भाभी है वो कहीं और है। तो एक मैडम है संगीता अवसर मॉल मैम जी, वो फरिश्ता की तरह मेरे लाइफ में आए, और एक साल में उन्होंने मुझे जो सपोर्ट्स किए सिंगिंग के लिए जी, वो शायद खून के रिश्ता भी इतना किसी के लिए कोई नहीं करता। मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने फाइनेंशियली, और हौसला बढ़ाया, बेटा वो अपने बेटा की दर्जा दिया अपने लिए जी, और उन्होंने मुझे सिंगिंग के जो भी इंस्ट्रूमेंट है जी, जो भी है, यहाँ तक कि मेरे मोबाइल बीच में ख़राब हो गया था, उन्होंने मेरे को मोबाइल भी गिफ्ट किए। और एक मेरे दादा है प्रशांत मंडल, वो भी मुझे काफ़ी सिंगिंग का हेल्प करता है जी। और मैं बहुत ही थैंक यू कहना चाहूँगा अवसर मल साहब का, मेरी लाइफ में बहुत उनके अवदान है, और बाकी जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल से सभी का सपोर्ट से मेरे कि बेटा आगे बढ़, हम लोग तुम्हारे सपोर्ट करते हैं। और मेरे गुरुजी तो है ये, वो मेरे सब कुछ है, मेरे गुरुजी के लिए मैं कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच अवार्ड सर, अवार्ड सर ने मुझे सबसे मेरी लाइफ के पहले जो बड़ा मंच जी उन्होंने दिया था, घोरबंदर फेस्टिवल थे वहाँ पे मैं सिंगिंग किया था, बहुत एक्सपीरियंस, बड़े बड़े सीनियर सिंगर्स आए थे, लेकिन वहाँ पे मैं एक ही सॉन्ग गाया था, और वहाँ पे रूपा अवार्ड मैडम जी प्रेजेंट थे, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे सिंगिंग अवार्ड मिलेगा क्या बात? और फर्स्ट टाइम मेरे को उनके हाथों से सिंगिंग अवार्ड मिला था जी। मुंब्रा एक बहुत ही बेहतरीन सिटी है, तो आई लाइक दिस मुंब्रा, आई लव यू मुंब्रा सिटी।
तो आपका कहने का मतलब है मुमरा में टैलेंट बहुत है लेकिन देखने वाले की नज़र चाहिए। और रही बात संगीत की दुनिया की, जिसमें आपने कदम रखा है और काफ़ी कामयाबी आपको मिली, काफ़ी नाम मिला है आपको संगीत की दुनिया से, तो उसी संगीत की दुनिया से चलते आप हमारे ऑडियंस को कुछ दो लाइन्स गा के बताइए। जी ज़रूर। ओ ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, हो ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने में तहाशा तड़पने लगी, धड़कने भे तहाशा तड़पने लगी, तीर वैसा लगा दर्द वैसा जगा, तीर वैसा लगा दर्द वैसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा गया मेरे रश के कमर। वाकई में बहुत बहुत मज़ा आ गया आपको सुन के, और मैं तो आपका फ़ैन हो चुका हूँ और मैं पहले से था ही, और एक दिन ऐसा आएगा यासीन भाई कि लोग पूरी दुनिया आपके फ़ैन हो जाएगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह चाहे तो, खुदा की मेहरबानी है, देन है, और हम अपने माँ बाप की दुआ से और अपने तमाम फ्रेंड्स की दुआ से आगे बढ़ना चाहते हैं। मुमरा वासी को एक संदेश देना चाहूँगा, जो हमारे म्यूज़िकल काफ़ी फ्रेंड्स है, जो म्यूज़िक लवर्स है, लेकिन उनको कहीं सपोर्ट्स नहीं मिलता है म्यूज़िक कैसे किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। जी, जी, जी। तो उस टैलेंट को आपके लिए हम हाजिर हैं, आपके छोटा भाई दोस्त जो भी समझे जी। तो आप इस चैनल को संपर्क करें, आरिफ भाई को संपर्क करें, आपको आगे बढ़ाने के लिए ये काफ़ी दिलचस्प है जी, और हम भी आपके लिए ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और एवरी सैटरडे संडे 9 से 12 मेरा मुमरा, जो मशहूर किंग्स ऑफ लाल किला है जी, ढाबा है, वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस रहता है, लाइव परफॉर्मेंस एवरी सैटरडे संडे। तो मैं चाहूँगा तमाम अपने मुमरा वासियों को, आप लोग को वहाँ पे आइए, इंजॉय कीजिए, मुझे सुनिए, तब आपके आपको पता चलेगा कि मुमरा में कितना टैलेंट है और हम आगे क्या कर सकते हैं। प्रोसेस ये सॉन्ग मैं डेडिकेट करता हूँ मेरे वर्ल्ड फैन दोस्त को। ढूंढ ला जाए जो मंजिले, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहाँ वही मिलता है रब का रास्ता, तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के है दिशा, तू न जाने आस पास है खुदा, 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 खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे, हाथ की लगीर को मोड़ता मड़ोड़ता है हासिला रे, तू खुद तेरे ख्वाब की रंग में तू अपने जहाँ को भी रंग दे, के चलता हूँ मैं तेरे संग में, हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधे।
दर मेरा उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा।